ब्रह्मा भगवती सती ने शरीर छोड़ते समय यही कामना की थी कि भगवान मैं ये शरीर तो छोड़ रही हूं लेकिन अगला जन्म मुझे भगवान शंकर ही पति रूप में मिले। और वही हुआ, पर्वत की पुत्री पार्वती बनी और बचपन से ही भगवान शंकर के प्रति अनन्य प्रेम, तपस्या की है। और वो तपस्या भी कैसे की है, अखंड तपस्या की है, अपर्णा तक नाम पड़ा है। अपने शरीर को तपाने की जिसमें सामर्थ्य है वही उस परम शक्ति के नजदीक पहुंच सकता है। मैंने पूर्व में भी चर्चा की है, हमारे यहां तप की बहुत ज्यादा चर्चा है। तप का मतलब अपने को तपाना, हम कितना अपने को तपा सकते हैं, और जो जितना अपने को तपा सकता है वो उतना ही साधना पथ में सफल होता है। अपने को तपाने का हम प्रयास करें, ये खेल मैदान है। यहां पर बच्चे देख रहे हैं कितना मेहनत कर रहे हैं, ये भी तपा रहे हैं अपने को, लेकिन ये क्यों तपा रहे हैं, ये अपने भविष्य के लिए कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, हम कुछ कर पाए उसके लिए तप कर रहे हैं। ये भी एक तरह का तप ही है। इस धूप में भी, इतनी गर्मी में भी देखो सब दौड़ लगा रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनका लक्ष्य अलग है अपना। तो हमें भी यदि उस परम तत्व के नजदीक पहुंचना है तो निद्रा आलस्यता त्याग करके जीवन को साधनामय बनाते हुए फिर वहां तक पहुंचे। पार्वती जी ने तप किया है, यहां तक कि परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने भेजा है कि मैं देखूं जो मेरे पास आने वाली है उसके पास वह ललक है कि नहीं, वो दृढ़ निष्ठा है कि नहीं, परीक्षा करने के लिए भेजा है। और उस परीक्षा में पार्वती जी पास हुई है। पार्वती जी ने कहा था, तजहु नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। भगवान शंकर भी आकर के कह दें कि तुम तपस्या मत करो, लेकिन मैं छोड़ने वाली नहीं, मुझे तपस्या करना, मेरे गुरु नारद जी महाराज ने कहा है और जो मेरे गुरु नारद ने मुझे दिया है वो तो मुझे जरूर करना ही करना है। गुरु निष्ठा इसको कहते हैं। आप गुरु के पास पहुंच जाओ ना, फिर उनके चरणों में निष्ठा रखो और वही निष्ठा आपको परमात्मा तक पहुंचाएगी। गुरु आपको परमात्मा तक नहीं पहुंचाते हैं, गुरु के प्रति आपकी जो निष्ठा है वो निष्ठा आपको परमात्मा तक पहुंचाती है। गुरु बदलने से, गुरु का दूसरे को गुरु बना लेने से ये कुछ भी नहीं। और ऐसे गुरुओं से तो बहुत ज्यादा सावधान रहो कि जो पता चलने के बाद कि एक बार दीक्षा ले चुका है और फिर कहते कि नहीं ये महात्मा ठीक नहीं थे, तुम हमारी दीक्षा लो, उन्होंने विधि विधान से नहीं दिया है। मैं आपसे एक बात बताऊं, दीक्षा के लिए कोई विधान की बहुत आवश्यकता नहीं है, दीक्षा के लिए दो चीज की आवश्यकता पड़ती है, आपकी श्रद्धा और गुरु का मंत्र। ये दो चीजें, आपकी श्रद्धा और गुरु का मंत्र, ये दो चीजें इकट्ठी हो गई तो आप शिष्य बन गए। कल मुझे कोई माता बता रही थी कि हमने दीक्षा ली हुई थी किसी महात्मा से और दूसरे आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने ढंग की दीक्षा नहीं दी है, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमारी दीक्षा लो, जबरदस्ती दीक्षा दी। ऐसे जबरदस्ती दीक्षा वालों देने वालों से बचो, जबरदस्ती दीक्षा दी नहीं जाती। दीक्षा तो श्रद्धा और विश्वास का वो कार्य है, जहां श्रद्धा और विश्वास। और मैं आपसे कहूं, एक गुरु से दीक्षा लेने के बाद यदि आप दूसरे गुरु की तरफ चलते हैं तो आपसे बुरा कोई और हो नहीं सकता है। ये तो ठीक इसी तरह से हुआ, जिसी तरह से एक पति होने के बाद कोई स्त्री दूसरे पति की तरफ दौड़े, दूसरे पुरुष की तरफ दौड़े, जिस तरह से वो व्यभिचार है ठीक उसी तरह से ये भी एक तरह का व्यभिचार है कि एक गुरु होने के बाद हम दूसरे गुरु की तरफ दौड़े। नहीं, प्रणाम सबको है, वंदन सबको है, लेकिन गुरु एक होना चाहिए। तजहु नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। परम्बा भगवती पार्वती ने कहा था यहां पर, मैं अपने गुरु की बात को नहीं छोड़ सकती हूं, मेरे गुरु ने कहा कि तुम तपस्या करो तो मैं भगवान शंकर पति रूप में मिलेंगे, तो एक जन्म नहीं मैं लाखों जन्म भी बिताने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने गुरु के वचनों पर अविश्वास करने के लिए तैयार नहीं। यहां तक कि जिनके लिए, जिनको पाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं, वो भगवान शंकर भी आकर के कह दें
कि देवी छोड़ो तुम तपस्या करना, तो मैं भगवान शंकर की बात को भी नहीं मानूं क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है।